हूँ आपकी होस्ट जेसिका जॉयस तारिक। प्रोग्राम गॉटन यूथ सीजन 2, जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाएंगे उन शख्सियात से जो शोबाए जिंदगी में कामयाबी से हम किनार हैं और जानेंगे उनकी कामयाबी के राज। प्रेज द लॉर्ड मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपकी होस्ट जेसिका जॉयस तारिक और आज नए एपिसोड के साथ प्रोग्राम गॉड इन यूथ सीजन 2 में आपको खुशामदीद कहती हूं। जैसा कि आप जानते हैं नाज़रीन के इस प्रोग्राम में हम यूथ को इनवाइट करते हैं और उनसे जानते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में उनकी ज़ुबानी। तो इससे पहले कि मैं आज के मेहमान का इंट्रोडक्शन कराऊँ, हम कलाम खुदा में से इम्साल की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी सातवीं आयत की तलावत करेंगे। वो रास्तबाजों के लिए मदद तैयार रखता है और रास्तरों के लिए सिपर है। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, खुदा उनका शुक्र। तो जी नाज़रीन, हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो म्यूज़िक से भी ताल्लुक़ रखते हैं और उसके साथ साथ ही चर्च के साथ भी एफिलिएटेड है। तो आए चलते हैं और उनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। तो जी जॉयल भाई, कैसे हैं आप? I'm good, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक, हम आपको इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। तो जॉयल भाई, बताएंगे अपनी फैमिली के बारे में। मेरी फैमिली में 6 लोग हैं हम लोग, और 4 बहन भाई हैं, 2 बहनें हैं और 2 भाई हैं। और खिदमत के लिहाज से मेरे दादाजी खिदमत में थे और उसके बाद मेरे पापा खिदमत करते हैं। मेरे दादाजी का नाम रेवरेंट सादिक मसीह है और मेरे पापा का नाम पास्टर उबैद सादिक है। और खुदा का शुक्र करता हूँ कि मुझे खुदा ने एक रूहानी ख़ानदान में परवरिश दी, और इस बात के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने मुझे चुना है ताकि हम लोग अपनी जो फैमिली में हमारी खिदमत थी उसको हम आगे लेकर चल सकें। बहुत खूबसूरत बात है जॉयल भाई, यकीनन कि अपने ख़ानदान घराने के साथ मिलकर खिदमत करना बहुत बाबरकत बात है। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछती चलूँ कि आपके म्यूज़िक के बारे में आप क्या समझते हैं और आपका म्यूज़िक करियर कहाँ से स्टार्ट हुआ और आपने किससे इंस्पिरेशन ली? म्यूज़िक के बारे में मैं यही समझता हूँ कि म्यूज़िक मेरे नज़दीक, मैंने जहाँ तक म्यूज़िक को किया है वो ज़्यादातर खुदावंद की परस्तिश करने के लिए किया है। और वैसे म्यूज़िक को लोग कहते हैं कि वो एक डिसिप्लिन लाता है ज़िंदगी में, और जो म्यूज़िक करते हैं लोग, आप देख जो म्यूज़िक करते हैं उन लोगों को आप देख सकते हैं जो सही म्यूज़िक करने वाले हैं, उनको आप देख सकते हैं कि उनकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन होता है और वो हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से लेके चलते हैं। तो इसी लिहाज से मैं तो ज़्यादातर गॉस्पल म्यूज़िक को करता हूँ, तो इससे मेरी ज़िंदगी में रूहानी डिसिप्लिन भी और जिस्मानी डिसिप्लिन भी है। तो आपने इंस्पिरेशन किससे ली? मेरी इंस्पिरेशन, वैसे तो हर एक की इंस्पिरेशन दाऊद नबी है म्यूज़िक के लिहाज से, क्योंकि ही वॉज अ फाउंडर। लेकिन वैसे मेरे बाबा, क्योंकि ही इज़ अ वर्शिप लीडर, तो इसलिए वो मेरी इंस्पिरेशन थे और हैं। और उसके बाद पास्टर आरिफ भट्टी जो मेरे मेंटर हैं और मुझे हर तरीके से गाइड करते हैं। और उसके बाद अभी मैंने शहरी भाई को ज्वाइन किया है, उनके स्टूडियो को ज्वाइन किया है, तो वो मुझे म्यूज़िक में, म्यूज़िक प्रोडक्शन में इंस्पायर करते हैं और मुझे वो हेल्प आउट करते हैं ताकि मैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से म्यूज़िक को प्रोड्यूस कर सकूँ। ये बहुत खूबसूरत बात है जॉयल भाई, कि जब हम खुदावंद मसीह में होते हुए गॉस्पल म्यूज़िक की तरफ जाते हैं तो यकीनन जब हम खुदावंद की प्रस्तिश में उसके और ज़्यादा मसा में आगे बढ़ते हैं तो यकीनन वो हमें बरकत देता है। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछती चलूँ कि यकीनन जितने नाज़रीन देखते हैं वो भी ये जानना चाहते होंगे कि आपने यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में शख्सी निजात दहिंदा कब कबूल किया? वैसे तो मैं एक रूहानी ख़ानदान से बिलोंग करता हूँ, तो उसकी वजह से बचपन से ही जो है वो
मसीह की पहचान दी जाती है बिल्कुल रूहानी खानदानों में। लेकिन मेरा जो एनकाउंटर हुआ यीशु मसीह के साथ, वो हम लोग हमारे बैंड होली होली सोल्जर्स दी गॉस्पल बैंड का 4 दिन का प्रोग्राम था और हम लोग नाइट पे कर रहे थे। उसमें मैं दुआ कर रहा था और मुझे तब पता था, लेकिन उस तरह एक पर्सनल एनकाउंटर जो होता वो नहीं हुआ था। तो उस दुआया मीटिंग में हम लोग सिर्फ बैंड मेंबर्स थे, और उसमें शालूम भाई थे, अनिल भाई थे, रोबन भाई थे, शाहिद भाई थे, अमून भाई थे। तो हम दुआ कर रहे थे और दुआ करते करते मुझे गैर जुबान का बपतिस्मा हुआ, और उसके बाद फिर मैंने मेरा मसीह के साथ ये पर्सनल उसके बाद फिर जो पर्सनल मसीह के, ये तो मुझे गैर जुबान का मसा हुआ और मैंने गैर जुबानों के साथ दुआ दुआ की। करना शुरू। तो उसके बाद फिर मैंने, हम लोग आरी भाई के घर थे, लाइव सेशन के बाद हम लोग दुआ कर रहे थे। तो उसमें हम लोग सिर्फ अपनी टीम थे, तो उसमें आरी भाई ने मेरे लिए प्रोफेसी की और उन्होंने कहा कि अब से जब आप गाएंगे तो खुदावन का मस्सा लोगों को टच करेगा। तो देन मैं दुआ कर रहा था और मैं आंसुओं के साथ रोना शुरू हो गया, और मैंने मसीह एक बड़ी रोशनी देखी, और वो मेरा पर्सनल एनकाउंटर था मसीह के साथ। बिल्कुल। तो आपकी फीलिंग्स कैसी रही फर्स्ट टाइम जब आपका पर्सनल एनकाउंटर? मैं दुआ ख़त्म होने के आधे घंटे बाद भी रो रहा था, और जब मैं किसी को ये बात बताता हूँ तो तब भी मेरी आंखें नम हो जाती हैं। बहुत खूबसूरत बात है। यकीनन जब हम खुदा उनकी बुलाहट को, उसकी मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में जानते हैं, तो खुदा हमें उस टाइम से लेकर जब तक हम उसकी खिदमत में होते हैं, जब तक हम जिंदों की ज़मीन पर होते हैं, वो हमें सरफराज करता है। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछती चलूँ योएल भाई, के मसीह की मोहब्बत का कोई तजर्बा आपकी ज़िंदगी में रहा हो? एस यकीनन बीइंग रिलेटेड विद अ पास्टर्स फैमिली और खुदा के खादिम के घराने से ताल्लुक़ रखते हुए, रोज़ हमारे दिन हमारे लिए एक मौजज़े का दिन होता है, नया दिन होता है, जिसमें हम हर रोज़ मसीह की मोहब्बत का तजर्बा करते हैं। लेकिन आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इवेंट जो अभी तक आपको याद हो? मुझे मेरी ज़िंदगी में काफ़ी इवेंट्स हैं ऐसे तो, लेकिन 2-3 इवेंट्स का जिक्र करना लाजमी है, क्योंकि उससे मुझे पता चलता है कि मेरे साथ खुदा है। कई बार हम खुदा के साथ होते हैं लेकिन खुदा हमारे साथ नहीं होता। बिल्कुल तो जब इस तरह की चीज़ें आपके साथ होती हैं, फिर आपको पता चलता है कि खुदा आपके साथ, खुदावंद आपके साथ है। वो और उसमें पहला इवेंट ये है कि मैं ऐसे ट्रेंड नहीं हूँ, किसी से मैं प्रॉपर सीखा नहीं हूँ, लेकिन हर एक से पूछ लेता हूँ, हर एक चीज़ पूछ लेता हूँ जहाँ से समझ नहीं आती, और यही होता है ये। और लेकिन उस्ताद का होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल तो पहला इवेंट ये है कि मैं नेस कैफे बेसमेंट का एक ऑडिशन था, उधर मैं गया और वहाँ पे जुल्फी भाई थे। तो ही सेड के भाई आप किस सॉन्ग के साथ प्ले करेंगे? तो मैंने कभी सॉन्ग के साथ प्ले ही नहीं किया था, तो मैंने कहा आप मुझे सिर्फ मेट्रोनम दे दें, मैं प्ले प्ले कर लूंगी। करूँगा। तो ही सेड मेट्रोनम, ओके हम लोग लगाते हैं। उन्होंने मेट्रोनम प्ले किया और मैंने उस पर प्ले किया, तो वो मतलब वो हैरान थे कि बाकी जितने आ रहे हैं वो किसी ना किसी गाने के साथ बजा रहे हैं और ये लड़का मेट्रोनम के साथ से बजा रहा है। तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया उसके लिए, नेस्कैफे बेसमेंट सीज़न 5 के लिए। और उसमें भी मैं बड़ी अच्छे तरीके से बचा, क्योंकि वो एक सेकुलर बिल्कुल प्लेटफॉर्म था, लेकिन उसमें भी खुदावंद का कुछ ये हुआ कि मैं उनके टाइटल सॉन्ग में गया, जो बिल्कुल सेकुलर नहीं था, वो सिर्फ एक टाइटल सॉन्ग था उनका, नेस्कैफे बेसमेंट का। तो खुदा उनका शुक्र है कि मैंने उसमें किसी गाने में प्ले नहीं किया, लेकिन मैंने उधर जाके उसका सारा जो एक एक्सपीरियंस था वो किया। गैदर किया उसको। और उसके बाद, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है, आप अगर अगर आप खुदावन के काम को अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, तो आप इन चीज़ों को
एक्सपीरियंस करेंगे तो आप अच्छे तरीके बिल्कुल. से इंडस्ट्री लेवल के लोगों के साथ अगर आप मिलेंगे और उनसे कुछ गैदर करेंगे तो फिर आप खुदा उनके काम को और अच्छे तरीके बिल्कुल, ये से कर बहुत सकते ज़रूरी हैं। है. तो जॉयल भाई, यहाँ पे मैं आपसे पूछती चलूँ कि बीइंग रिलेटेड विद अ पास्टर्स फैमिली, जो कि खुदावंद यीशु मसीह को कई सालों से सर्व कर रहे हैं, तो आप बेहतर तौर पर समझते होंगे कि एक वर्शिपर या वर्शिप लीडर में क्या फ़र्क है? वर्शिपर तो हर कोई है, बिल्कुल. हर कोई परस्तार है, और प्रस्तिश का मतलब है सजदा करना, लेकिन वर्शिप का एक हिस्सा है हमदोसना। तो ज़्यादातर आजकल लोग वर्शिप को हमदोसना से मुंसलिक कर देते हैं, लेकिन इसका जो एक्चुअल मतलब है वो है सजदा करना। लेकिन वर्शिप अब एक्चुअल कोई टर्म नहीं है वर्शिप लीडर के लिए, लेकिन इसको हम लोग वर्शिप लीडर ही कह सकते हैं, कि जो वर्शिपर्स तो सारे हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बिल्कुल, कहा आजकल सारे वर्शिपर्स हैं, वो वर्शिपर्स ठीक लिखते हैं अपने हैं. लिए वो वर्शिपर्स ठीक लिखते हैं, लेकिन वर्शिप लीडर होना ये एक बुलाहट है। और बिल्कुल. आजकल आप देखिए तीन चार लोग ही वर्शिप लीडर, जहाँ तक मैं जिनके साथ काम करता हूँ, जिनको मैंने सुना है, और जिनको जिनके साथ मेरा वक्त गुजरता है, और जिनको मैंने वर्शिप लीड करते हुए देखा है। और वर्शिप लीडर की ज़िंदगी में पाकिजगी होना बहुत ज़रूरी है, दुआया ज़िंदगी होना बहुत ज़रूरी है, और उसका रूल कुछ के साथ गहरा ताल्लुक़ होना चाहिए, रिलेशनशिप विद होली स्पिरिट, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि रूल कुछ आपको गाइड करता है कि इस बिल्कुल. जगह पे इस चीज़ की ज़रूरत है। और कुछ लोग होते हैं उन्होंने एक फॉर्मूला बना लिया कि हम लोग ये करेंगे, तो क्योंकि एक जगह उस फॉर्मूला से काम हो भी हो भी गया, गया, लेकिन अब अगली जगह पे वो फॉर्मूला फॉर नहीं में काम चलेगा, नहीं करे. तो उसके लिए आपको रूल कुछ की रहनुमाई की ज़रूरत है। तो इसलिए आपका रूल कुछ के साथ गहरा ताल्लुक़ होने की ज़रूरत है, और यीशु मसीह का शख्सी तौर पर तजर्बा होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक वर्शिप सॉन्ग्स आ रहे हैं आजकल, उसमें वो वर्शिप सॉन्ग्स कहलाते नहीं हैं, वो आप उसको क्रिश्चियन सॉन्ग कह सकते हैं। वर्शिप सॉन्ग में ये होता है कि खुदावन की प्रस्तिश हो, खुदावन की बड़ाई हो, उसमें खुदावन के नाम को जलाल मिले और उसकी जो खूबियाँ हैं वो बयान की जाए, तो ये प्रेज़ होती है, ये वर्शिप है। उसके उसके बाद जो कॉम्पोजिशंस हैं, कुछ कॉम्पोजिशंस आपको लिरिक्स के साथ साथ मिल जाती हैं, और कुछ कॉम्पोजिशंस आप बाद में करते हैं। लेकिन कॉम्पोजिशन भी मैंने जैसे कि पहले कहा कि वो आजकल इंस्पायर्ड है, और हम क्या कर सकते हैं, ये तो अब खुदा उनका रूह ही है जो लोगों को गाइड कर सकते हैं, लेकिन लोग खुदा उनके रूह को मांगते ही नहीं हैं, तो वो कैसे गाइड करेगा। बिल्कुल. तो ये आजकल वर्शिप लीडर्स में लैग करती है बात, और वर्शिपर्स में लैग करती है। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, कि हम देखते हैं कि कलाम में भी लिखे हैं कि खुदा ऐसे प्रस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करे. और जब आपके अंदर वो सच्चाई नहीं होगी, तो यकीनन जब आप सच्चाई को जानेंगे तो सच्चाई आपको आज़ाद करेगी. आमेन। तो जी जॉयल भाई, आप हमें बताएंगे कि आपने मौसीकी को किस उस्ताद की रहनुमाई में सीखा? क्योंकि जिस तरह आपने पहले बताया कि उस्ताद का होना हर फील्ड में बहुत ज़रूरी है. अगर आप एक कॉलेज में जाते हैं, तो यकीनन आपका उस्ताद नहीं होगा तो आप नहीं पढ़ सकते आगे, क्योंकि आपको कुछ पता नहीं होगा. तो बिल्कुल। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? स्टार्टिंग में मेरे चाचू मरकस, उनसे मैं सीखता रहा, और उसके बाद मेंटर्स ज़्यादा हैं मेरी ज़िंदगी में, और ऐसा तो ये बाय बर्थ है, और इसमें रूल कुछ रहनुमाई करता है तो आगे और चीज़ें आती हैं। लेकिन उसके बाद जिशान भाई हैं, और पास्टर आरी भट्टी, शरी भाई, और अनिल भाई, वो भी मुझे गाइड करते हैं, उनसे भी मैं काफ़ी कुछ सीखता हूँ। ये चंद नाम हैं जिनसे मैं रहनुमाई हासिल करता हूँ म्यूज़िक के बारे में। बहुत खूबसूरत बात है कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह में होते हैं, तो हम कोई भी काम कर रहे हों, जब तक हम प्रॉपर गाइडेंस के साथ नहीं चलते, तो तब तक खुदा भी हमारे साथ जो है
वो नहीं चलता। जब हम खुदावंद की रहनुमाई को अपनी ज़िंदगी में मांगते हैं और प्रॉपर गाइडेंस के साथ चलते हैं, प्रॉपर टीचर्स को अपनी ज़िंदगी में खुदावंद से मांगते हैं कि खुदा तू मुझे बता कि मैं किस उस्ताद के पास जाऊँ या क्या सीखूँ, तो यकीनन खुदा आपकी मदद करता है और इस तरह आप बुलंदियों तक पहुँचते और खुदा आपको सरफराज करता है। तो जोएल भाई, आप वर्शिप भी करते हैं, तो आज आप देखने वाले यूथ को, नाजरीन को कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहेंगे? ये सॉन्ग हमने, मेरा पहला सॉन्ग है और मैंने, शालूम भाई ने इसको लिखा था, शालूम भाई ने इसका मुखड़ा लिखा था और मैंने फिर इसके स्टैंजास सारे कंप्लीट किए थे, तो वो सॉन्ग हम आपको सुनाते हैं अभी। जरूर। तूने अपने हाथों से मेरी बिगड़ी बनाई है, तूने अपने हाथों से मेरी बिगड़ी बनाई है, देकर जा अपनी मेरी कीमत चुकाई है, देकर जा अपनी मेरी कीमत चुकाई है, सारी ये कुदरत सारा जला यीशु तेरा है, मेरी ये जान मेरा दिल यीशु तेरा है, तू है मेरी अबरी चट्टान, मेरे छिपने की तू ही जगह, तू है मेरी अबरी चट्टान, मेरे छिपने की तू ही जगह, तुझ में बढ़ता रहूं ऐ मेरे जिंदा खुदा, तुझ में बढ़ता रहूं ऐ मेरे जिंदा खुदा, सारी ये कुदरत सारा जला यीशु तेरा है। थैंक यू जोएल भाई, बहुत ही खूबसूरत गीत था। तो जोएल भाई, आप देखने वाले यूथ को और नाजरीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे जोशुआ टीवी के प्लेटफॉर्म और गॉर्डन यूथ सीजन 2 की वसादत से? सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप थैंक। सब ने मुझे अपने इस प्रोग्राम में दावत दी। यूथ को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगी का जो आपका बेस्ट पार्ट है वो खुदावंद को दें, और आपकी ज़िंदगी का बेस्ट पार्ट जो होता है वो जवानी होती है, और जब आप अपनी जवानी खुदावंद के हाथों में सौंप देंगे तो आपकी आने वाली ज़िंदगी और आपकी आने वाली नस्लें महफूज हाथों में होंगी और बाबरकत ज़िंदगी आपकी होगी। तो यही मेरा यूथ को पैगाम है कि जो बेस्ट है वो खुदावंद को दें। थैंक यू जोएल भाई फॉर जॉइनिंग अस, और यकीनन आज आपकी गवाही से बहुत लोगों ने बरकत पाई होगी, और उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम बहुत से लोगों के लिए बरकत का बायस बना होगा, और आपका भी शुक्र अदा करते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, और इसी तरह खुदा आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। तो जी नाजरीन, हम चलते हैं अपने प्रोग्राम के अख्तिताम की तरफ, और यही मैं आपको कहना चाहूँगी कि जितने लोग या यूथ हमें देख रही है, जब आप अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद रखेंगे, तो यकीनन आप जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे अपनी ज़िंदगी के अयाम में, खुदावंद आपको संभाले रखेगा और खुदावंद आपको बरकत बख्शेगा। तो जी नाज़रीन, जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रोग्राम गॉर्डन यूथ सीज़न 2, और हम आपके साथ जल्द मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, नए एपिसोड के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल।